दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल बात करूंगा एयरटेल वीआई और जियो का यूपीसी कोड कैसे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप यूपीसी कोड निकालना चाहते हैं तो आप गलत रिचार्ज कर अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि किस कौन सा रिचार्ज करने पे यदि आप में रिचार्ज नहीं है तो आपका यूपीसी कोड निकलेगा। नंबर वन एयरटेल की बात करते हैं, यदि आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप यदि उसमें रिचार्ज नहीं है तो उसे दूसरे कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको पोर्ट मैसेज भेजने के लिए उसमें रिचार्ज ज़रूरी है। तो आप उसमें 49 और 10 का रिचार्ज कर आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि 49 प्लस 10 में या तो 49 में आपका मैसेज नहीं जाएगा। पोर्ट मैसेज भेजने के लिए 129 चल रहा है लेटेस्ट अपडेट, यदि आप 129 कराएंगे एयरटेल में तभी आपका पोर्ट मैसेज जाएगा। नंबर दूसरी बात करते हैं वीआई के बारे में। दोस्तों आइडिया, वोडाफोन, वीआई तीनों एक ही कंपनी है, तो यदि आप चाहते हैं कि उसे दूसरे कंपनी में पोर्ट कराना है, यदि उसमें रिचार्ज नहीं है तो आप 49 का रिचार्ज कर पैसा ना बर्बाद करें। आपको बता दें कि इसमें भी 129 का रिचार्ज पड़ेगा, 129 का रिचार्ज यदि नहीं करते हैं तो पोर्ट मैसेज नहीं जाएगा। तो आप ध्यान दें कि 49 का रिचार्ज करने से पहले इस वीडियो को ध्यान दें। तीसरी बात करते हैं जियो के बारे में, यदि आपके पास जियो का सिम है या तो एंड्रॉयड फ़ोन का सिम है या तो कीपैड फ़ोन का सिम है, उसे आप पोर्ट कराना चाहते हैं अदर ऑपरेटर अदर कंपनी में, तो मैसेज करने के लिए आपको रिचार्ज कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ध्यान दें केवल 75 का रिचार्ज, केवल 75 का रिचार्ज यदि कर देते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन में यदि आपका है तो उसे जियो के कीपैड मोबाइल में किसी का लेकर उसमें आप 75 का रिचार्ज कर पोर्ट मैसेज कर सकते हैं, यूपीसी कोड आ जाएगा और आप अदर ऑपरेटर में उसे पोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इससे आपको जानकारी मिली होगी जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो पाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसा वीडियो पाने के लिए, हो सके तो दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय फ्रेंड्स।